अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम परवेज हुसैन किंग आ। मैं अपने देश की पहचान किनी तो एक बार फिर तुसाने सामने हाजिर खिदमत हाँ। तो मैं चाहना कि मेरे देश में जिहड़ी भी कोई नई तो नई चीज है मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना। तो अज अच्छो तुसा की मुलाकात कराने माड़े इलाके की अरदल अजीज शख्सियत सरदार रबनवास ए बकरिया ने बेताज बादशाह है। अज उन्होंने मुलाकात सुना कराने तो नाले बकरिया बारे च पुछने भाई इतनिया महंगिया तरीन बकरिया तो उन्होंने बड़ा ना आ। अज अच्छो उन्होंने को जुलने जी जी। अस्सलाम वालेकुम सरदार रबनवास साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? खैरी मेरी हो? ठीक है, उसे ठीक ही हाँ। अच्छा जनाब, ना बड़ा ना आ पूरे कश्मीर विच भी और पंजाब विच भी अपना बड़ा ना आ बकरियां ने हवाले नाल। ते तुसा कितना अरसा हो गया बकरियां रखने हो? ते मैं कुछ 18-20 साल हो गया जी। माशाल्लाह जी। ते ए तुसा कोल इस तरह कितनी बकरियां है जी? मैं त्रै रखी हैं, एक बकरी है, दो पठाइयां। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते ए जेड़ी पाठी सरकार ए कितने अरसे दी है, कितनी उम्र इसनी? 3 साल नहीं है जी। माशाल्लाह। ते ओ जड़ी पार दूसरी पाठी जी? ओ दोए पैणा हियां जी। ए दोए पैणा हियां। ते ए इननी मां ही है जी? माशाल्लाह जी, ए बड़ी बकरी है, इसनिया दो पठा हियां। अच्छा सरदार रबनवास साहब, इननी क्या खुराक शाक ने की क्या बाणे हो? इनन की जनाब पत्तर बाणे हां। माशाल्लाह। ते उस तो बाद दाणा फक्का देणे हां, खल देणे हां। माशाल्लाह। शामी आसां जितनी खिदमत होई सके करने हां। तो सरदार जी, हम तुसा कोले पुछा हां कि ए माशाल्लाह इन्होंने बड़ा ना आया और मैं समझना कि साडे इस देश विच बल्कि कश्मीर ने पूरे देश विच मैं समझना कि इना पठा या इस बकरी ने नाले ने कोई बकरी नहीं होई सकनी। तो इन्हां दी अगर कीमत तुसा कोले पुछना चाह ते ए जिहड़ी पठ तुसा कोले खलती भी इसलै इसनी क्या कीमत ही सरदार जी? ओ सरकार गल इह है कि साडे घरे नहीं आईआं, असां ना मुल्ले किन्नियां ते ना इन्हां नूं मुल लाणे आ। माशाल्लाह। ते असां ने ते पकौड़ियां ने पाईआं भाई। ठीक है। घरे दीआं चीज़ां लाह दित्तियां आईआं ते रखी आ, अपनी शौक पूरी करने आ। ते वैसे इस नस्ल विच इह जा अगर नक नमूश वै ते अगर कोई बकरी बंदा खरीदा ते कितनी कीमत ही तकरीबन मिलनी? ए भाई जी कहना सो इसनी तो अजकल दौर ऐसा जा रहा, पता नहीं लगना इतनी महंगी चीजा बिकनिया, शौक ना मुल तो कोई नहीं। माशाल्लाह। बहरहाल रेट मुख्तलिफ किस्म दे इया जी पठा, पहले असा लख सवा लख नहीं होवे, डेढ़ लख नहीं चाहिए किन्ने से हुण लोग मुल लोग करने जिहड़े किन्ने नहीं होणियां, असा तो वेच बटाला सौदा ही कोई नहीं, अपनी जात वास्ते रखी हां। अपना रूह राजी जो शामी कालेश ने तखने सुनने आ खुश हो जाने। माशाल्लाह। मैं अपने नाजरीन की दसना चाहना कि ए माड़े हरदल अजीज शख्सियत सरदार रबनवास अपना ना जरा कश्मीर ने एक कोने तू लैके दूसरे कोने तक भी बोलना और पंजाब ने जितने बकरियां ने बड़े बड़े शौकीन लोग उन्होंने विच भी अपना बड़ा ना आया और आपने जड़ियां बकरियां रखियां माशाल्लाह साढ़े इस इलाके विच बल्कि पूरे जिले विच मैं समझना कि इये जी खूबसूरत बकरियां को नहीं। माशाल्लाह जी। अच्छा ये जड़ी पाठी ये भी उसे नहीं पैनी जी? हाँ जी, दो पैना ही है जी। माशाल्लाह जी। अच्छा ये जड़ा इन्हां ना इतना खूबसूरत नाका जी, ये इन्हां नी क्या खूबी है, इसकी क्या खसूसियत है इतना खूबसूरत नक होने? सरकार मादी भी नका ली है ते जड़ा असा नर पाया वा बकरा वो भी बहुत अच्छा और नकल आया। माशाल्लाह। ये जनाब साड़ा भरा आ दोस्त आ चौधरी मनीर साहब, ए उसे ने घरे नहीं नसल ही उसे को बकरी असा उस को आंदी सी ते बाद बकरा भी मैं बकरी उथे बल्कि छोड़ी गया, 4-5 महीने रही मुड़ी। माशाल्लाह। सुई ए जनाब दो पठा दीतिया। अच्छा चौधरी मनीर साहब आपना तलक मीरपुर आजाद कश्मीर नाल है जी, आपना भी बड़ा ना आया माशाल्लाह, बड़े शौकीन और बकरियां ने बेताज बादशाह है। सरदार रबनवास साहब माशाल्लाह बकरियां ने शौकीन हजरात की क्या पैगाम देना चाहते हो कि अगर बकरियां रखो तो ये कितनी बड़ी एक मैं समझना कि एक कारोबार भी है इबादत भी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा ए इना जिनी पठाई है ए उन्होंने माई जी जी ए उन्होंने माई है सरकार गल है कि असा शौक करने हैं माशाल्लाह बकरियां ना मतलब इन्हां ना ठड़का असा की माशाल्लाह। कोई बंदा जिस तरह दांत शौका ना रखना है, कोई पटेरा रखना, कोई कह रखना, असा शौक ही बकरिया नी बहुत अच्छा शौक है माशाल्लाह। साल तू रखने हैं माशाल्लाह। अल्लाह की अपने घरे नहीं होगी माशाल्लाह। पहले चलो आने से वेच वटा भी करने से लेकिन हूं वेच वटाला कम को ना करने, अपनी पक्कियां रखी है घर जनाब त्रै सुनार बकरियां माशाल्लाह। दो लगिया ही चौधरी मनीर साहब बकरे को एक बकरी इधर भी लगी असा की खुशी है घरे, लेकिन मादी तो नरे को
जिस तरीके नाल उन्होंने अपने नक होने उसे तरीके नाल बच्चे इस तरीके नाल होने क्योंकि साडा मादी भी तां जिहड़ा बकरा पाया ओ खुद जाती नकल है ते तां उन्होंने इतने नक्के माशाल्लाह जी राजा रबनवास साहब बड़ी खुशी हुई तुसा नाल मिली ते मैं समझा कि माड़े देश परदेश लेने लोग इन्हां बकरियां दा दीदार करो और साडे इलाके विच इहे जी खूबसूरत बकरियां नी जितनियां सरदार रबनवास साहब रखियां माशाल्लाह ते मैं उम्मीद करना कि इस माड़े चैनल की लाइक भी कर सो और बैल आइकॉन की भी दबाना ना भूल सो और माड़े देश विच जिहड़ी भी कोई नई चीज उसी मैं अपने दोस्तों तक जरूर उसनी सेल्फी बनाई ते भेजसा ते मैं उम्मीद करना कि माड़े इस वीडियो की तकी ते जरूर दोस्त बाब खुश हो सो ते इसने नाल ही तुसा दोस्त तुसा होस्ट परवेज हुसैन किंग तुसा को इजाजत चाहना अल्लाह माड़ा तुसा सारे हामी और नासर पाकिस्तान जिंदाबाद।